हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आपको पता है, अपनी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका 5वां पार्ट और ये सीरीज हमने स्टार्ट की है अक्टूबर 2019 से। ठीक है। अच्छा, रोजाना 15 क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए जाते हैं, तो आप हर एक पॉइंट आराम से सुनिए, समझिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य के सीएम ने अंगीकार अभियान का उद्घाटन किया? तो अंगीकार अभियान का उद्घाटन किया त्रिपुरा ने, त्रिपुरा के सीएम ने इसका उद्घाटन किया। अब त्रिपुरा का नाम आया तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। ठीक है, अब समझते हैं अंगीकार अभियान है क्या। जैसा कि हमें पता है, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसी को बढ़ावा देने के लिए अंगीकार अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो मूडीज के अनुसार 2019-20 में भारत की जो विकास दर है वो रहेगी 5.8%। अब मूडीज ने इसका अनुमान लगाया है तो हमें पता होना चाहिए मूडीज कहाँ की मैगजीन है। ये एक मैगजीन है, ये है न्यूयॉर्क की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? तो सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की किसने? हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, मातृत्व आश्वासन का मतलब क्या है कि जो नवजात बच्चे होते हैं और उनकी माँ होती है, उनको दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ये एक पहल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां इंडियन कॉर्पोरेट एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भाई वाराणसी के अंदर। ठीक है, वाराणसी के दो नाम और हैं, काशी और बनारस। अब आपका होमवर्क इतना है कि वाराणसी है कहाँ पे, जिस स्टेट के अंदर वाराणसी है उसका सीएम, गवर्नर और कैपिटल बता दीजिए जल्दी से। ओके, तब तक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। और ये बनाया क्यों जाता है? आपदाओं के जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जैसे मान लो बाय चांस कहीं भूकंप आ जाता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या भूकंप के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे जान का खतरा कम से कम हो। इस प्रकार उनको जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को 3500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, राजस्थान में अब से पहले ट्रांसजेंडरों को 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था और अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 3500 रुपये मासिक। ठीक है, अब नाम आया राजस्थान का, तो जल्दी से राजस्थान की राजधानी, सीएम और गवर्नर तीनों कमेंट में लिख दीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आइकॉन स्पेस वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया भाई नासा ने। अब नासा ने लॉन्च किया है तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा बना कब था? यह बना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने, क्वेश्चन नंबर 69, किसने हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च की भी हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामला मंत्री हैं, इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी पर वैश्विक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ? तो हमारा देश भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, अच्छा साथ में यह भी याद रखो कि कितने किलो वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो एमसी मैरी कॉम ने 51 किलो वर्ग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? तो ये हुई रशिया के अंदर। रशिया के बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है, फिर से रिपीट करवा देता हूँ। रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी रूबल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। वहाँ की संसद, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ओके, और डाइट पूछे तो जापान की संसद। ओके, और क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनका, उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे संबंध बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एलियुड किपचोगे। एलियुड किपचोगे 2 घंटे के मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बने हैं। अच्छा, अब ये है कहाँ से? ये है भाई केनिया से। ठीक है, तो केनिया का नाम आया, यहाँ की करेंसी और कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। तो केनिया की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है शिलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीनी पेय के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है सिंगापुर ने। चीनी पेय का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है या जिनके अंदर शुगर की मात्रा अधिक होती है, तो उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है सिंगापुर ने। अब सिंगापुर ने की है तो सिंगापुर की कैपिटल क्या होगी? सिंगापुर की कैपिटल है भी सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी, करेंसी है इसकी डॉलर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ 190 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? ठीक है, तो ये किया गया राजस्थान के लिए। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए एडीबी के साथ 190 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। अच्छा, क्यों किया है? राजस्थान की सड़क और राजमार्गों के निर्माण के लिए यह समझौता किया गया है। अब राजस्थान का नाम फिर से आया, तो इसकी मैंने आपको बताया है अभी, पीछे भी इसका नाम आया था, तो जल्दी से इसके सीएम, इसकी कैपिटल और इसके गवर्नर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ एडीबी के बारे में। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। ओके, और ये बना था जब हरियाणा बना, उसी सन एडीबी बना था। ठीक है, हरियाणा बना 1966 में और एडीबी बना है 1966 में। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।